देश के सर्वोच्च सदन में जो सबसे पहला काम आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर हम लोगों का होगा वो होगा दिल्ली के अधिकारों को लेकर। दिल्ली के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई एक सरकार है, 67 विधायकों की सरकार है और उस सरकार को कभी बिजली पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी पानी पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी चिकित्सा पे काम नहीं करने दिया जाता, कभी शिक्षा पे काम नहीं करने दिया जाता। 40 ऐसी सेवाएं जो होम डिलीवरी करना चाहती है दिल्ली सरकार की, रिश्वतखोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत पैदा हो, उसको भी रोक लगा लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं जमीन नहीं है, हम स्कूल खोलना चाहते हैं जमीन नहीं है, हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं एसी भी नहीं है, हम दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं पुलिस नहीं है। और आज केंद्र में जो पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार है वो सरकार सबसे पहले पूर्ण राज्य की मांग उठाती रही है दिल्ली को लेकर, लेकिन 7 सांसद दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को दिए, इतनी बड़ी शक्ति दी, दिल्ली के अंदर उनकी सरकार भी बनवाई, लेकिन आज तक पूर्ण राज्य की बात तो दूर, जो अधिकार है उसको भी कुचलने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, उसको भी छीनने का काम, उसको भी एक प्रकार से लाट साहब के डंडे से दिल्ली की सरकार को चलाने की जो कोशिश की जा रही है।